ओशो मस्तिष्क में हेर फेर के बारे में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट पढ़कर मेरे मन में प्रश्न उठे। उदाहरण के लिए, यदि हर भावना जैसे खुशी, दुख, कामुकता, आक्रामकता इत्यादि इलेक्ट्रोड द्वारा उत्तेजित किया जा सकता है या परोक्ष रूप से रसायन विज्ञान द्वारा बाहर से हेर फेर किया जा सकता है, तो ये भावनाएं मेरी अपनी नहीं है, वे बस किसी के हाथ की कठपुतलियां हैं। स्थितियों पर स्वतः प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें या तो बाहर से या अंदर से संचालित किया जाता है। वे मैं नहीं हूँ या भावनाएं या भावनाओं के बारे में शायद किसी दिन विचारों को समान रूप से आसानी से हेर फेर किया जा सकता है। तो फिर वास्तव में मेरा क्या है, फिर क्या बचा, तो फिर मैं कौन हूँ? इन दिशाओं में सवाल करते और सोचते हुए मुझे पता चला कि मैं अक्सर अपने बारे में, जीवन के बारे में, सच्चाई के बारे में, इन तरीकों से सोचता हूँ। और फिर सवाल उठा, क्या सवाल करने और सोचने का यह तरीका दिमाग द्वारा कुछ जानने की कोशिश करने का तरीका है? क्या यह किसी सत्य तक पहुंच ही पाता है? यदि नहीं, तो क्या यह सोचना या प्रश्न करना केवल एक निरर्थक प्रयास है, केवल समय की बर्बादी है? या क्या यह मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, बल्कि एक गहरी बुद्धि, एक गहरा उपकरण है जो सत्य तक पहुंचने में सक्षम है? क्या आप कृपया टिप्पणी करेंगे? यह बिल्कुल सच है, आपकी भावनाएं, आपके विचार, मन का पूरा सामान बाहर से आते हैं, बाहर से संचालित होते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट हो गया है, लेकिन वैज्ञानिक जांच के बिना भी रहस्यवादी हजारों वर्षों से बिल्कुल एक ही बात कहते रहे हैं कि ये सभी चीजें जिनसे आपका दिमाग भरा हुआ है, वे आपकी नहीं है, आप उनसे परे हैं, आप उनके साथ तदात्म्य स्थापित कर लेते हैं, और यही एकमात्र पाप है। उदाहरण के लिए, कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, आपको लगता है आप क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उसका अपमान केवल एक रिमोट कंट्रोलर है। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, वह आपके व्यवहार का प्रबंधन कर रहा है, आपका गुस्सा उसके हाथ में है, आप कठपुतली की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक मस्तिष्क में कुछ केंद्रों पर इलेक्ट्रोड लगाने में सक्षम है, 700 केंद्र हैं, और यह लगभग अविश्वसनीय है। रहस्यवादी मस्तिष्क में इन 700 केंद्रों के बारे में लगभग 7-8 हजार वर्षों से बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक ने अभी पता लगाया है कि आपके सभी व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले ठीक 700 केंद्र हैं। एक इलेक्ट्रोड को एक विशेष केंद्र पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्रोध एक रिमोट कंट्रोल के साथ, ताकि आप यह ना देख सके कि कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करता, कोई तुम्हें अपमानित नहीं करता, कोई तुमसे कुछ नहीं कहता, आप चुपचाप खुशी से बैठे हैं, और कोई रिमोट कंट्रोल का बटन दबा देता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। यह बहुत ही अजीब एहसास है, क्योंकि आपको कहीं भी इसका कारण नजर नहीं आता कि आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। शायद आप किसी तरह तर्क वितर्क करेंगे, आप एक आदमी को सड़क से गुजरते हुए देखते हैं और आपको याद आता है कि उसने आपका अपमान किया था। आप अपने आप को सांत्वना देने के लिए कुछ
तर्क पाएंगे कि आप पागल नहीं हो रहे। चुपचाप बैठे रहना और अचानक बिना किसी उकसावे के इतना गुस्सा आ जाना, और वही रिमोट कंट्रोलर आपको खुश करने का काम कर सकता है। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे आप हंसने लगते हैं और आप चारों ओर देखते हैं कि कहीं कोई आपको देख ना ले। वह सोचेगा कि आप पागल हो रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ, कोई केले के छिलके पर फिसला नहीं, तो आप क्यों खिलखिला रहे हैं? लेकिन तुम इसे तर्कसंगत बनाओगे। आप खिलखिलाने के लिए, आप खिलखिलाने के लिए कुछ प्रत्यक्षता तर्कसंगत आधार देंगे। और सबसे अजीब बात यह है कि जब अगली बार वही बटन दबाया जाएगा और आप खिलखिलाएंगे, तो आपके पास फिर वही तर्क, वही सांत्वना, वही स्पष्टीकरण होगा। वह भी आपका नहीं है, यह लगभग एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है।